भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस समय T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला खेलने के बाद टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ दो T20 मुकाबले खेलने के लिए विदेशी दौरे पर रवाना होगी। लेकिन आयरलैंड के बाद इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए 16 जून को रवाना हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर फोटोज अपलोड करते हुए इस बात की जानकारी दी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही T20 सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान ऋषभ पंत बाद में टेस्ट टीम के साथ जुड़ेंगे। इस टीम में कप्तान रोहित शर्मा भी नदारद दिखे। बीसीसीआई ने फोटो अपलोड किए जिसमें पूर्व कप्तान विराट कोहली, सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, टेस्ट टीम में वापसी कर रहे चेतेश्वर पुजारा, तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर नजर आए हैं। साथ ही विकेट कीपर केएस भारत भी मौजूद रहे। पिछले साल हुई टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच स्थगित कर दिया गया था जो कि अब 1 जुलाई को शुरू होगा। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि विराट कोहली इस टेस्ट मुकाबले में क्या वो अपना शतक यानी कि 71वां शतक पूरा कर पाएंगे। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट की तमाम खबर और रिकॉर्ड्स के साथ बने रहने के लिए देखते रहे चलते क्रिकेट। धन्यवाद।